G20 की दूसरी बैठक अगले महीने मई में ऋषिकेश में होने वाली है। सरकार इस बैठक को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, इस वजह से शासन प्रशासन के सभी अधिकारी बैठक की तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन कुछ अधिकारी काम में लापरवाही कर रहे हैं, जिस वजह से DM ने उन पर एक्शन लिया है। G20 की दूसरी बैठक अगले महीने 25 से 27 मई के बीच ऋषिकेश में होने वाली है, जिसमें 20 देशों के 200 प्रतिनिधि 3 दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों पर और उसके समाधान पर मंथन करेंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन के अधिकारी गंभीर हैं। बैठक में आने वाले सभी विदेशी मेहमान जॉली ग्रंट एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए ऋषिकेश पहुंचेंगे, जिस वजह से सड़क मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुछ अधिकारियों द्वारा सड़क के काम में लापरवाही बरतने पर लोक निर्माण विभाग ने उन पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य रविंद्र बेलवाल ने बताया कि G20 की बैठक को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने भी सभी अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। ऐसे में जो अधिकारी काम में लापरवाही बरत रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। G20 का सम्मेलन होने वाला है और इसके लेकर देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आएंगे और प्रतिभाग करेंगे इस बैठक में। और जो हमारा उद्देश्य है कि जो जैसे आप भारत के मानचित्र को देखते हैं, भारत के मानचित्र में हिमालय माथा है पूरे भारत का, यहाँ माँ गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, चारों धामों का स्थान है। और सौभाग्य से इस समय चारों धामों के कपाट खुलने वाले हैं और जैसे ही विदेशी धरती के मेहमान हमारे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आएंगे, इस धरती पर अपने कदम रखेंगे देवभूमि उत्तराखंड में, उन्हें निश्चित तौर पर देवत्व की अनुभूति होगी, चारों धामों की अनुभूति होगी। और माँ गंगा को जब वो देखेंगे, माँ गंगा की आरती करेंगे, तो देखेंगे गंगा एक नदी नहीं है जो गंगा सागर तक जाकर मिलती है उत्तराखंड से, वो नदी नहीं, वो हिंदुत्व अपने भारत की एक वो आस्था से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है माँ गंगा, और एक हर हिंदुस्तानी को इस पर गर्व है। इस प्रकार से ये सम्मेलन सारी चीजों का सार गर्व लिए हुए है और इस सम्मेलन को कोई भी इसमें कोताही बरतना नहीं चाहता है। मैंने देखा है जो जिलाधिकारी महोदया है हमारी देहरादून की सोनिका जी, वो इस गंभीर है इस मामले को लेकर कि ये बैठक अच्छे से संपन्न हो, दिव्य और भव्य हो। अगर कोई अधिकारी इसमें कोताही बरतता है, उस पर कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।